this is, we have just finished with the last topic, that what is the importance of the species in the ecosystem and how is this whole biodiversity as a whole, it is important, how it serves the humanity, how is it important to us. For that we have studied the three of the features. Humne teen points mein iski subheadings mein isko humne study kiya tha, that is the utilitarians, narrowly utilitarian, then secondly the broadly utilitarian and ethical arguments. ठीक है, बेस्ड अपॉन व्हाट दिस बायोडाइवर्सिटी हैज शोन इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड द लॉसेस टू बायोडाइवर्सिटी, हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे लॉस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉज करते हैं. सो ये सारे जब हमने फैक्टर्स पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट भी है पर लॉसेस भी हो रहे हैं, तो उसको अब किस तरह से कंजर्व करवाया जाए. So that is the second part of your this chapter, that is the conservation of the biodiversity. Conservation means you need to keep the species with you. ठीक है, अब है क्या कि हमारे पास ये सारी species जो हैं ये खत्म ना हो जाए, ये species extinct ना हो जाए, endanger ना हो जाए, उन categories में ना चले जाएं जहां पे इनको खतरा है extinction का. तो अगर ऐसा होता है तो that is it will not be going to serve us. यही बात है ना कि हम लोगों ने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी, बट स्टिल हम कहते हैं कि इसको लॉसेस हैं, है ना, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज की. तो वो क्यों हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन यू कैन से एक्टिविटीज होंगी. वी कैन स्टॉप दोज एक्टिविटीज एज अ मोड ऑफ कंजर्वेशन, वी कैन स्टॉप दोज एक्टिविटीज, बट एज अ ह्यूमन वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि अगर हम एक जाना बचा लेते हैं तो बाकी लोग नहीं इन चीजों को मानते, है ना. अवेयरनेस जो है वो किसी किसी के पास है, सबके पास नहीं है. अगर आपको ही हार्म नहीं पहुंचा रहे लेकिन आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो इनको हार्म पहुंचा रहे हैं फिर से, या प्लांट्स को या एनिमल्स को किसी भी तरीके से, इवन बाय क्रिएटिंग दिस पॉल्यूशन. ये सिंपल सी बात है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम इतना ज्यादा व्हीकल्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज रनिंग अ व्हीकल, है ना. आगे क्या होता था कि हमारे पास लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता था एंड 50-52 पीपल दे आर सिटिंग इन वन ऑफ द बसेस, है ना, तो पॉल्यूशन कम था. अब क्या है, एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ व्हीकल एंड दैट इज जितने लोग हैं उतना ही व्हीकल और उतना ही पॉल्यूशन बढ़ गया. ये भी तो ह्यूमन एक्टिविटी है, पॉल्यूशन से प्लांट्स खराब होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट कंजर्विंग इट. सो एज वी ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर कंजर्वेशन, सो दैट इज वाई देयर हैव बीन सम स्पेशल मेथड्स दैट विच हैव बीन ऑप्टेड just to conserve the biodiversity. What are those methods? That is, the conservation is done either in situ or it is done ex situ. What do you understand by this term, in situ and ex situ? In situ means on site conservation, in situ means on site conservation. And what is ex situ? Ex situ means off-site conservation. कहने का मतलब क्या है कि हम इसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम प्लांट्स एनिमल्स को बचा रहे हैं, पर या तो उनकी अपनी साइट पे, यानी उनके अपने हैबिटेट में. ऑन साइट मीन्स इन देयर ओन हैबिटेट, यू कैन राइट ऑन साइट मीन्स हियर दैट इज इन देयर ओन हैबिटेट्स, in their own habitats, or offsite means we have changed their habitat, they are not having their own habitats, matlab humne unko unke habitat se alag karke lekin artificially habitat provide karke conserve kar diya, theek hai, in the artificially generated habitat or artificial habitat, clear? So we are providing this conservation either on-site or off-site, either on-site or off-site conservation in their own habitat. The examples can be the areas which are made up in their own habitats. For example, a very common example is that of the wildlife sanctuaries. Aapko pata hai the Siberian cranes, they migrate from the Siberia all the way to the India, hai na, and in India there is an area in the Rajasthan that is Bharatpur. ठीक है, वहां जिस एरिया में आके वो रहते थे, मतलब माइग्रेशन के बाद जिस एरिया में आके वो हमेशा रिजाइड करते थे जितने समय के लिए हैं, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स का उस एरिया को मॉडिफाई कर दिया गया और वहां बना दिया गया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
दैट इज भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो दिस इज कॉल्ड एज सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर वन ऑफ द यू कैन से एरियाज फॉर इन सीटू कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जाम्पल इज भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सेकेंडली इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो हैव द नेशनल पार्क्स. National parks are for the conservation of plants better. Or if there are safaris associated with the national parks, then that can be of the animals as well. ठीक है, सफारी वगैरह का भी आपने सुना पड़ा होगा कहीं पे. उसमें भी क्या रहता है, the tigers and all the wild animals, they are having their own habitat and the boundary of that area has been made. ताकि वो animals जो हैं, एक तो उस area में entry जो है वो inhibit कर दी जाती. ठीक है, that is in the controlled manner. The people, those who are coming, they have to first undergo the registration and the ticket formation. वो सारी चीजें जो होती हैं, they have to follow those formalities and then they are visiting inside that area. And also again, inside the area again, they are not, you can say, fully allowed to interact with either the animals or the plants. Interaction नहीं ना होता, so that is the national parks. Similarly, for the animals conservation, there are zoological parks. National park like that of Jim Corbett National Park is there. Okay, Jim Corbett National Park is there for India. National parks में और बहुत सारी list मिलेगी आपको. That is Kanha National Park is there, right? And many more are there. This is the zoological parks. That is for the conservation of the animals now. ठीक है, अगर हम particularly animals की बात करते हैं, जैसे आप zoo जाते हैं, zoo जिसको बोलते हैं, zoological parks क्या हैं? They are the zoos. ठीक है, तो जो जू जाते हैं वहां पे क्या होता है, एनिमल्स को केजेस में बंद करके रखा होता है ना. वो केजेस में बंद किए हैं लेकिन वो सामने के लिए, आपकी इंटरेक्शन के लिए, बट पीछे उनका जो केज है दे आर अगेन ओपनिंग इनटू द वाइड एरिया सो दैट दे कैन मूव हियर एंड देयर वेरी फ्रीली. ओके, सो दैट इज द जू इन विच द एनिमल्स दे आर केप्ट एंड दैट इज मेंटेनिंग देयर ओन यू कैन से हैबिटेट्स ओनली, राइट? क्लियर? कुछ एक जू होते हैं जिनको आर्टिफिशियली भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन कुछ एक जूलॉजिकल पार्क्स हैं जो नेचुरल हैबिटेट्स में ही कंस्ट्रक्ट किए गए. ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर दिस जू नहीं लिखो, आप जूलॉजिकल पार्क ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि जू दैट गोज विद द आर्टिफिशियल कंडीशंस एज वेल. ओके, नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व्स, व्हाट आर दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स? As the name is saying, bio means living, sphere. Sphere means that area where the living organisms have been in danger. So those area that has been made reserve. Reserves का मतलब reserve कर दिया. कैसे? जैसे let's say this is the whole area. ठीक है, ये area है. अब इस area में zone बना दिए जाते हैं. That is the three zones में इसको divide कर दिया गया. These are 1, 2, 3 zones. ठीक है. The innermost is the core zone. Core zone. ये core zone है जहां पे highly endangered species जो है वो रखी जा रही है. Mainly this biosphere reserve is concerned with the plants. Okay? तो plants की वो वाली species जहां बिल्कुल ही extinction का खतरा आ चुका है और बिल्कुल ही endanger हो गई है, उस area को mark कर दिया जाएगा कि इन plants के ऊपर अब कोई भी क्या कहते हैं harm नहीं करेगा. कोई भी इसकी इंटरेक्शन नहीं होनी किसी के साथ भी. सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं कि इसको हम सुटेबली कैसे और ग्रो कर सकते हैं. सिर्फ इतना ध्यान दिया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कोर जोन, CORE. ओके, सेकंड इज द बफर जोन. बफर जोन दैट अलाउज अ बिट ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन, जस्ट अ बिट, नॉट कंप्लीट. ठीक है, ओनली द साइंटिस्ट पीपल हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वो लोग यहाँ पे इस एरिया में जा सकते हैं, ये वाले एरिया में, बफर में. ठीक है, बफर एरिया में सिर्फ रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट पीपल हो गए, वो सिर्फ अपनी इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो वाली स्पीशीज हैं जो थोड़ी बहुत नंबर में अभी हैं, बट दे विल बी इन कमिंग टाइम दे विल बी एक्सटिंक्ट अगेन. ठीक है, हो सकता है कि अभी कमिंग टाइम में वो एंडेंजर में आ जाए या और थोड़े समय बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाए. तो उसके लिए रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ऐसे लोग यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से स्पीशीज को लेकर. ठीक है, एंड लास्ट आउटर मोस्ट इज द मैन्युपुलेटिव जोन. मैन्युपुलेटिव जोन में एज द नेम इज सेइंग मैन्युपुलेशंस कैन बी मेड. मैन्युपुलेशंस मींस अगेन द पीपल दोज हु आर कंसर्न्ड विद ओनली द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. मतलब जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है प्लांट्स के लिए,
सिर्फ वो वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इन्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टूरिज्म जैसा जो कह सकते हैं जोन है वो भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उनको रिस्ट्रिक्शंस दी जाएंगी कि साथ में यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी अपनी हार्म क्रिएट नहीं करना टू द प्लांट स्पीशीज जो भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ मैनिपुलेटिव जोन एंड दिस होल एरिया विच इज रिजर्व विद द स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। Another of the in situ conservation can be made through the sacred groves. Sacred groves क्या होती है, वो भी ऐसा ही एरिया है जैसे मैंने अभी बोला core zone है, ठीक है। Sacred groves क्या है, कुछ लोग culture wise, religion wise क्या करते हैं कि जैसे कुछ एक plants हैं, let's say हमारे पास कुछ plants यहाँ पे grow कर रहे हैं and some of the people they are going and harming that plants, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो worshipable type of the plants है, ठीक है, सेक्रेड है, ठीक है, दे हैव देयर ओन कल्चरल वैल्यूज और देयर ओन रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वो एरिया को मार्क कर दिया जाएगा, मतलब वहां पे अगेन जो एक्टिविटीज है वो इनहिबिट कर दी जाएंगी, दैट इज द पीपल कैन ओनली कम देयर टू वर्शिप देम, ठीक है। उनको वहां पे रखने के लिए, वहां पे उनको बचाने के लिए, ताकि दूसरे लोग आके इसके साथ इंटरेक्शन करके खराब ना कर दे, सो दैट आवर एरिया इज अगेन रिजर्व, ठीक है। So that are called as, those areas are called as the sacred groves, right? So these are a few types of the on-site conservations where a need of their own habitat is thought of and it is mainly kept in the mind and hence that areas have been provided certain protections, ठीक है? Proper protection, proper conservation for the organism species in that area. Now coming to the artificial habitats when we provide. Artificial habitats as in your own houses, you have certain of the plants and you are taking care of them, hai na, that are the gardens in your homes or the botanical gardens at the schools, school college level pe botanical gardens set kiye jate hain kyunki hame study karwana hai, yahan pe apne ghar pe rakh rahe hain for the beautification. So what is actually this, this is an artificial habitat. Aap kahin se plant nursery se laye ho, apne ghar pe grow kiya aur apne take care kiya uska, आपने उसको एक्सटेंक्ट होने से बचाया, तो दैट इज यू आर कंजर्विंग इट, है ना, बट नॉट प्रोवाइडिंग द नेचुरल हैबिटेट, यू आर प्रोवाइडिंग इट अ आर्टिफिशियल हैबिटेट. सिमिलरली आर द एक्वेरियम्स, एक्वेरियम फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, फिशेस वगैरह, आपके घर पे एक्वेरियम्स होंगे, घर पे हैं, फिशेस रखते हो, डेली उनको फीड देते हो, पानी उनका चेंज करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली कंजर्विंग द स्पीशीज, ठीक है. यू आर टेकिंग द इनडायरेक्ट मैनर, यू आर टेकिंग द केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर स्पीशीज, दैट इज एक्वेरियम्स, राइट. देर आर ऑल्सो सीड बैंक्स, सीड बैंक्स होते हैं जहां पे सीड्स को कंजर्व करके रख लिया जाता है, सीड को कंजर्व करके रख लिया, जैसे अभी एक और जोन था, अगर इसका कोई स्पीशी बिल्कुल ही मतलब एंडेंजर हो चुका है, एक्सटिंक्शन के पास है, तो अगर उनका सीड अवेलेबल होगा तो वो सीड्स को वहां बैंक्स में वो स्टोर करवा देंगे ताकि उसकी वायबिलिटी जो है वो बनी रहे. हो सकता है आज की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, और अगर हम इनके सीड्स को स्टोर करके रख लें, और हो सकता है कल आने वाले क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव भी कर जाए, है ना, और वो दोबारा स्पीशी हमारे पास अवेलेबल हो जाए. सो दैट इज द सीड बैंक्स, दैट विच कीप्स द सीड्स एज मोर वायबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट अगेन दीज बैंक्स दे आर द You can say areas, special areas, जहाँ पे इनको store करके रखा जा रहा है, and that can't be natural, that is again artificial. Okay, so that are the seed banks. Similarly, a method of cryopreservation is there, which can be followed anywhere for the preservation of all the species specimens. ठीक है, so this is cryopreservation. Cryopreservation is again a method of artificial, you can say conservation. Here you are conserving the specimens in the liquid nitrogen. यहाँ पे liquid nitrogen में conservation किया जाता है, and that also at very less temperature. It is -176 degree centigrade. 76 or 96? It's 96 I guess. -196 degree centigrade पे liquid nitrogen में conservation किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं cryo preservation. What is that technique called as? It is cryopreservation. Cryopreservation can be made for the
ब्लड कंटेंट, जीन कंटेंट है ना, उनके लिए किया जा सकता है। जैसे किसी एनिमल्स के अगर जीन्स या डीएनए को कंजर्व करके रखना हो तो वो किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल द ऑफसाइट कंजर्वेशन, दैट इज द एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड्स एंड द इनसीटू कंजर्वेशन मेथड्स। यू कैन गेट टू हैव द क्वेश्चन ऑन व्हाट आर इनसीटू कंजर्वेशन मेथड्स एंड एक्सप्लेन अ फ्यू, और सिंपली डायरेक्टली यू कैन गेट टू हैव एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व एज अ इनसीटू कंजर्वेशन मेथड। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट ऑफ योर दिस चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। After this, we'll be starting with organisms and populations. That is on Monday. Anybody having any question, any doubt till this? Yes.